नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और न्यूज फर्स्ट से मैं हूं राकेश मिश्रा। आज हम मिलवाने जा रहे हैं उमरगांव के तालुका पंचायत सभ्य श्री जवाहर सिंह पुरोहित जी, जो हमारे बगल में बैठे हैं, और उनसे कुछ उमरगांव की जो अंदरूनी मुद्दे हैं पंचायत की, सुलसुम्बा पंचायत की, जो अभी फिलहाल कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सामने आए हैं जनता के द्वारा। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि राशन का एक मुद्दा चल रहा है सर, कि राशन के दुकान से जो कोटेदार बोलते हैं उनको, बहुत से गरीब पब्लिक को राशन मिला नहीं है, और जांच करने के बाद मालूम चल रहा है वहाँ पे कि राशन दे दिया गया है। तो इसमें आप लोगों ने जो तहकीकात किया है, क्या सच्चाई है इसमें? काफी लोगों को राशन मिला नहीं है जी, उनको कार्ड बंद बताया गया है, जो जाते तो देते नहीं है जी। और उनके बाद में हमने ऑनलाइन चेकिंग करवाया तो काफी लोगों का राशन उठ चुका है 3 महीने का। अच्छा। लेकिन उनको मिला नहीं है और उनको वापस किया जाता है जो लेने जाते हैं। तो हमने आगे कलेक्टर साहब को भी फरियाद किया है जी, लोगों द्वारा, मामलेदार साहब को भी अरूबरू मिल के आए हैं जी, और मंत्री द्वारा हमने पानी अपना परोठा अधिकारी को भी सूचित किया है जी, और गांधीनगर में भी हमने कंप्लेंट करवाया है। सर, मेरे को जहाँ तक ये पता है कि जो राशन का जो दुकान है कोटेदार जो है, वो ऑलरेडी जो यहाँ के सरपंच अमित भाई पटेल हैं उन्हीं के घर परिवार में है, और इसके बावजूद भी ऐसा अगर धांधली हुआ है तो ये सही तो नहीं है बिल्कुल, कि गरीबों को राशन नहीं दिया गया और इसके बावजूद भी वहाँ रिकॉर्ड में मेंटेन किया गया कि राशन दिया हुआ है, और आप लोगों ने सर्वे में भी यही पाया है। आगे आपने इस बारे में और कहाँ कहाँ चर्चा किया है, कहाँ कहाँ कंप्लेंट किया है? नहीं, बस ये अधिकारी लेवल पे किया है जी, हमारे मंत्री जी से भी बात हुआ है जी, लिखित में कंप्लेंट भी हुआ है। अच्छा, रमन भाई पाटकर जी से जी। और उन्होंने रादड़िया जी से, जो इनके परोठा मंत्री है जी, उनसे उनको भी लेटर लिख चुके हैं। अच्छा। और पेपर में भी आया है, आज के पेपर में सुना जी, भास्कर एक कंप्लेंट और है सर जी, कि दुकानों के गुमास्ता के नाम पर लॉकडाउन के दरमियान गुमास्ता के नाम पे लोगों से जो लिमिट है, आप लोगों के ग्राम पंचायत द्वारा जो लिमिट है कि इतना अमाउंट में गुमास्ता का रसीद दिया जाएगा, उससे ज्यादा पैसा भी लिया गया है, इसके बारे में आपने जांच पड़ताल करवाया क्या? वो भी पड़ताल करवाया है जी। तो 3,000-3,000 रुपया हर दुकान से गुमास्ता के नाम लिया है, और जबकि लेना कितना चाहिए? जबकि लेना ये गुमास्ता तो मेरे हिसाब से तो ये ग्राम पंचायत में लगता भी नहीं है, ये सब महानगर पालिका में लगता है, जो इसके पास 5-10 आदमी काम करते हो वहाँ लगता है। आज तक तो कभी किसने लिया नहीं है, सुना भी नहीं जी। और ये इनके मतलब कर्मचारियों को भेजते हैं और दुकान वालों को दाग धमकी करके पैसा वसूल कर देते हैं, और 700 की रसीद भी दी है कई जन को जी, और 3,000 रुपये की वसूली दी है। मतलब रसीद मिल रहा है 700 रुपये का, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, रसीद दिया जाता है 700 रुपये का और वसूल किया जाता है 3,000 रुपया। ये सीधा गैर कानूनी है और ये जाती है दुकानदारों के साथ। एक और मुद्दा है सर, जो नवी नगरी में मार्केट निर्माण हो रहा है नया, उसके बारे में कुछ आपने पता किया कि वो कैसा जगह है, कितना अमाउंट लेकर के दुकान वहाँ पे दिया गया है, ग्राम पंचायत को कितना पैसा दिया जाता है, और उसको बनवाने में क्या एक्सपेंस है, क्या खर्चे, इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को है क्या? हाँ, हमने RTI भी किया है जी, लोगों का कंप्लेंट भी आया है कि ये जगह जो है गैर कानूनी जो बना है मार्केट, और उसमें इन्होंने गांवठन बना के था पास किया, उसमें ना सर्वे नंबर डाला है, ना कोई 712 है, ना कोई कागजात है उनके साथ में जी, और उन्होंने मार्केट खड़ा किया है। 3,00,000 से 6,00,000 के बीच में इन्होंने पैसा वसूल किया है, मीटर के नाम से 30,000 रुपये अलग से वसूल कर जा रहा है जी, और उसके पतरे का पूरा दुकान बनाया गया है जी, और उसमें ऊपर से हाई टेंशन लाइन भी गया है जी, जो मतलब कभी भी खतरे से खाली नहीं है जी। तो एक दुकान में करंट लगे तो पूरा मार्केट में जो भी अंदर बैठे हैं वो पूरा खतरा है, और उसमें हम लोग RTI इसलिए किया है कि पैसा आया तो कितना लिया और कहाँ गया पैसा। और इसी सर्वे नंबर में ग्राम पंचायत द्वारा कोई लोग रहते हैं वहाँ जी, उनको डरा धमकाने के लिए वो घोषणा बताया गया है, उसमें कोर्ट में केस भी चालू है जी, और उनके ग्राम पंचायत के नाम का उनको नोटिस भी दे रहे हैं बारंबार जी। तो ये लोगों के साथ भी अन्याय है और दुकानदारों के साथ भी अन्याय। तो मेरी यही विनती है कि इनका जो भी पुरावा है, कागज
कौन सी कैटेगरी जमीन तो पूरा करे ग्राम पंचायत पता है कि भाई ये कैटेगरी की है तो हम आगे देखेंगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना उमरगांव सरपंच श्री अमित भाई पटेल जी के ऊपर जनता का आरोप और जनता का कष्ट जो है यहाँ जिला पंचायत तालुका पंचायत के जो हमारे एक मार्केट और बनाया जवाहर सिंह राजपुरोहित जी है उनके पास पहुंचा है और जनता की आवाज को इन्होंने बिल्कुल एक्शन में लेकर के पहल किया है, जांच किया है, पड़ताल किया है और उस कंप्लेन को ऊपर तक पहुंचाया है। अमित भाई के ऊपर ऐसा कई एलिगेशन कई तमाम जो है एलिगेशन और लगा हुआ है कि मार्केट बनाया है उसका भी कुछ क्लियरेशन ग्राम पंचायत में के द्वारा नहीं किया गया है, कोई पासिंग का भी क्लियर नहीं है पेपर। दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ के दुकानदारों की है मार्केट जो है उस मार्केट से गुमास्ता के नाम पे 700 का पर्ची देना और 3,000 रुपया वसूल करना ऐसा आरोप है, संगीन आरोप है यहाँ के सरपंच सरसुंबा के सरपंच अमित भाई पटेल के ऊपर और इसकी जांच पड़ताल पूरी की गई है। कई लोगों ने इनको कंप्लेन किया है, कई लोगों ने अपना आवाज़ रिकॉर्डिंग करके भी भेजा है, इसके बाद यहाँ से एक्शन शुरू हुआ है। तो हमारे पुरोहित साहब ने जो कुछ भी बताया है अगर ऐसा सच में अमित भाई के द्वारा किया गया है तो वाकई में गलत है और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए सर, पूरी जांच होनी चाहिए, अगर गलत है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जैसा भी उचित कार्रवाई हो सके, क्योंकि जनता को परेशान करना, जनता का सेवक अगर जनता को परेशान करेगा तो ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर सरपंच बने या चाहे BDC बने, चाहे जिला पंचायत सचिव बने या जिला पंचायत के सभी बने या MP बने या मिनिस्टर बने, सब जनता के सेवक हैं, इसलिए जनता के साथ कोई भी प्रकार का अगर भेदभाव, कोई भी प्रकार का दबंगता अगर कोई भी करता है तो ये गलत है। कैमरामैन राजकुमार के साथ उमरगांव से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।